झारखंड से एक बड़ी खबर, जहां पर फ्लोर टेस्ट पर सियासत जारी है। कांग्रेस का फ्लोर टेस्ट जीतने का दावा लगातार जारी। बिल्कुल, तो जयराम रमेश ये कहते नजर आए कि हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है, गठबंधन सदस्यों के खिलाफ ईडी और सीबीआई कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। जयराम रमेश का ये बड़ा दावा, कांग्रेस का फ्लोर टेस्ट जीतने का दावा उन्होंने किया है और कहा है कि हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है। ये जयराम रमेश कहते हुए नजर आए, क्या कुछ कहा है सुनिए। फ्लोर टेस्ट तो हम जीतेंगे, बहुमत तो है, 81 सीटों का असेंबली है, उसमें बहुमत हमारे पास बिल्कुल है, हमें पूरा विश्वास है। और देखिए, हेमंत सोरेन जी को भी अनुमति दी गई है स्पेशल कोर्ट के ओर से, तो ये सब क्या दिखाता है? ये तो ईडी का एक षड्यंत्र है, मोदी सरकार का एक षड्यंत्र है। तो हमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है, हम फ्लोर टेस्ट जीतेंगे, हमारी सरकार बरकरार रहेगी। और झारखंड में कल चंपाई सोरेन को बहुमत साबित करना है। इस बीच नेताओं के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। देखिए, गठबंधन के नेता ये दावा कर रहे हैं कि उनके विधायक एकजुट हैं, लेकिन बीजेपी जनमत चुराने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेता सरकार पर डरे होने का आरोप लगा रहे हैं। ये खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है, क्योंकि बड़े बड़े इनके नेता आए थे, लोगों को लगा था कि हम सरकार को गिरा देंगे, खरीद फरोख्त कर लेंगे, सरकार बना लेंगे। कौन बीएल संतोष और कौन कौन लोग आए थे, सभी बेचारे खाली हाथ वापस लौट गए। तो ये झारखंड और झारखंडियों की ताकत थी जो इन्हें घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। सोरेन परिवार में अभी भी अंतर्कलह विद्यमान है और इसके कारण सारे लोग एक दूसरे से भयभीत और डरे हुए हैं और कोई किसी पे विश्वास नहीं करता है। इसीलिए सामूहिक रूप से सभी एक जगह, जब तक कि फ्लोर पे टेस्ट ना हो जाए, ऐसा उन लोगों के मन में मस्तिष्क में चल रहा है। ये खतरा भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, ये उनका अपने इनर सर्किल में एक दूसरे के प्रतिद्वंदिता में, चाहे वो मंत्री बनने का हो, डिप्टी सीएम बनने का हो, कांग्रेस को ज़्यादा सीटें लेना हो, जेएमएम को ज़्यादा लेना हो, किसको मंत्री बनना है। ये जो जनमत की चोर है भारतीय जनता पार्टी, तो जनमत को बचाना है, क्योंकि अगर जनमत नहीं बचेगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को ही खत्म करने का प्रयास कर रही है। इसलिए जनमत को बचाने के लिए महागठबंधन के विधायक बाहर में है, क्योंकि अगर चोरों से हम अपनी तिजोरी की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर तो वो चोरी हो जाएगा। जीनी।